नौवें गुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का ज्योति जोत पुरब उन्हां दी याद विच सुशोभित गुरद्वारा बाला साहब दिल्ली विखे मनाया गया। गुरुद्वारे नूं खूबसूरत ढंग दे नाल सजाया गया। इस मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी ते कीर्तनियां अते कथावाचकां वल्लों संगतां नूं कीर्तन दे नाल निहाल कीता गया। दस्सिया जांदा है कि इस स्थान ते गुरु साहिब ने अपना आखरी समां बतीत कीता। ते आओ हुण गुरुद्वारा बाला साहिब दे हैड ग्रंथी भाई सुखविंदर सिंह जी दे कोलों गुरु हरकृष्ण साहिब दे इतिहास दे बारे जानदे आं। गुरु की साजी रवाजी साध संगत जी अष्टम बलवीरा श्री हरकृष्ण ध्याई जिस डिठै सब दुख जाए। अठवें नानक गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी का अज ज्योति जोत पुरब है। गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख गुरद्वारा बाला साहब उन्हां दे पावन पवित्र ज्योति जोत स्थान उत्ते आण के संगतां वड्डी गिणती विच अज गुरु पातशाह जी का ज्योति जोत पुरब बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मना रही ने। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी की आमद इस धरती के उत्ते सन 1656 कीरतपुर साहब श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी के ग्रह विखे माता कृष्ण कौर जी के उधर तो हुई है। श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी के दो साहबजादे सी बाबा राम राय जी ते छोटे सन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज। श्री गुरु हर राय साहब महाराज ने गुरु हरकृष्ण साहब जी को गुरतागद्दी 1661 विच कीरतपुर साहब विखे ही बख्शिश की जदों उन्हां दी आरबला तकरीबन 5.25 साल की सी। सतगुरु जी गुरबाणी का प्रचार गुरसिखी का प्रचार करते हुए कीरतपुर साहब की पावन धरती ते विचर रहे सन। दिल्ली के राजा जय सिंह ने अपना दीवान परशुराम भेजा है कीरतपुर साहब। पातशाह जी ने बेनती की है सतगुरु जी दिल्ली की धरती को भाग लगाओ। संगतां दी बेनती नूं प्रवान करदिआं होइआं सतगुरु पातशाह जी कीरतपुर साहिब तों तुरे हन पंजोखरे दी धरती ते पुज्जे। पंजोखरे दी धरती ते दीवान सजे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे जदों दीवान सज रहे सी अंबाले दे इलाके विच दूर दुहाडे दीआं संगतां दर्शन करन उत्थे पुज रहीआं सन। उन्हां दे विच पंडित लाल चंद वी पुज्जा है। पंडित लाल चंद ने गुरु साहिब जी दी उमर नूं वेखदिआं होइआं सवाल वी कीते ते उन्हें शंका भी कीता। वो आखद है कि साढ़े कृष्ण जी हुए हैं तो तुसी अपने गुरु नूं गुरु हरकृष्ण साहब के नाम नाल जानते हो। जे इन्हां विच कोई अजमत है बख्शिश है तो यह कृष्ण जी की उच्चारण की हुई गीता दे अर्थ करके सुनाओ। पातशाह जी ने कहा जे असी अर्थ करके सुनाए तो पंडित जी नूं लगेगा कि कोई करामात वापरी है। भाई जे गुरु घर दीआं बख्शिशां वेखणी है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮਕੀ ਫੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ।
लाशां दे ढेर लगने शुरू हो गए। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने सिख संगतां नूं बेनती करके जिहड़ियां लावारिस लाशां सी उन्हां दे संस्कार कराए, घरां विच प्रशादा वंडिया। दसवंध की जिहड़ी वरतों है वह गुरु हरकृष्ण साहब जी ने मैडिसन वास्ते लोड़वंदां की जरूरत वास्ते वंडी। एक दिन गुरु हरकृष्ण साहब जी के तन नूं भी ताप चढ़िया, हौली हौली ताप वधदा रहा, बुखार तेज़ हो गया, सारा शरीर छालो छाली हो गया। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं उन्हें दिनों विच ही जिहड़ा औरंगजेब वालों भी सुनेहा मिलिया कि दर्शन देन, पर सतगुरु जी कीरतपुर साहब तो कह के तुरे सी नै मलेशको दर्शन दे। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने इच्छा जाहिर की कि सानू इस शहर तो बहर लै चलो, सतगुरु जी जिस स्थान पर आप गुरद्वारा बाला साहब बैठे हाँ दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान पर जमुना के किनारे सतगुरु जी के तंबू लगे, इत्थे सिख संगतां ने पड़ा किया। एक दो दिन रहने तो बाद जदों होर तेज़ बुखार हो गया, छाले हो गए सारे शरीर से, तो उस वेले फिर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं सिख संगतां ने बेनती की, दाता सानू किहदे लड़ ला के जा रहे हो। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने फिर बख्शिश की, बाबा बसे ग्राम बकाले, कि साढ़े आने वाले सतगुरु नौवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब होंगे जो कि रिश्ते भी साढ़े बाबा जी लगते हैं। सो ये 1664 अज के दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत गुरद्वारा बाला साहब विखे समाए हैं, जिते अजक गुरद्वारा बाला साहब है, ये भोगल के नज़दीक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। सो मैं बेनती करांगा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, धर्म प्रचार कमेटी वालों, अते इस स्थान का नाचीज सेवादार होने के नाते कि जदों भी आप जी नूं समा मिलता है गुरद्वारा बाला साहब आप जी दर्शन करो, जिथे गुरु हरकृष्ण साहब जी का अंगीठा है उत्थे खालसे की माता माता साहिब कौर जी का अंगीठा है अते माता सुंदर कौर जी का भी अंगीठा इसे स्थान पर है, जिथे उन्होंने भी संस्कार इसे स्थान पर हुए सन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दसया जाता है कि हर साल श्री गुरु हरकृष्ण जी का ज्योति जोत पुरब इसे ही तरह गुरुद्वारा बाला साहब दे विखे मनाया जाता है, जिथे संगतां दा भारी इकट्ठ वेखण नूं मिलदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।